हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है? हमारे देश में ना दो पर्व मनाए जाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, है ना, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इन दोनों ही पर्वों पर ना झंडा फहराया जाता है और इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। बहुत ही डिफरेंस है इनके झंडा फहराने में, और दोनों को ही अलग अलग जगह पर फहराया जाता है। तो शुरू करते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त को ना झंडा नीचे से ले आके ऊपर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं, जैसे कि फ्लैग होस्टिंग। झंडा जो है ना ऊपर ही लगा रहता है और नीचे बंधा रहता है, तो उसे नीचे से खोल के फिर फहरा दिया जाता है, उसे कहते हैं झंडा फहराना, है ना। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 15 अगस्त पे झंडा ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी पे झंडा फहराया जाता है। तो फ्रेंड्स, झंडारोहण, ध्वजारोहण और झंडा फहराने में भी ना हमारे देश के जो प्रमुख हैं उनका भी बहुत डिफरेंस होता है। एक होते हैं केंद्र के प्रमुख और एक होते हैं संवैधानिक राजनीतिक प्रमुख। इसमें 15 अगस्त को जो है ना केंद्र के प्रमुख जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो झंडारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, और जो हमारे राजनीतिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति, वो हमारे 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। क्योंकि हमारे देश जो है ना, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान नहीं था, इसलिए उस झंडे को हम लाल किले पर फहराया जाता है। और जो 26 जनवरी को, जब 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हो गया, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति से 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, है ना। ये डिफरेंस था बहुत बड़ा। सोचा थोड़ी सी जानकारी है बता दूं, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्हें पता नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जानकारी की वीडियो है, थोड़ी आप लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन लोगों को भी पता लगे, ठीक है ना। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ओके, बाय।